आइए आइए आइए, बैठिए। सर, आपकी माता जी ठीक हो गई? उन्हें कोरोना हुआ था ना? जी, उनको तो गुजरे 5 साल हो चुके हैं। पर इसने तो पिछले हफ्ते ये कहकर छुट्टी ले ली थी कि मेरी दादी बीमार है और उसे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। छोटी बहन, घर चलो तुम। अच्छा, ये छोड़िए सर, आपको अल्जाइमर है क्या? नहीं तो? तो फिर जब रिपोर्ट कार्ड में साइन करने के लिए हमने बच्चों को बोला था तो इसने कहा कि मेरे पापा को अल्जाइमर है और वो साइन करना भूल गए हैं। जी, रिपोर्ट कार्ड के बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। हाँ, इसीलिए मैंने आपके लिए खास ला के रखा है, ये लीजिए। ये तो हमारे जन्मदिन की तारीखें हो गई ना, 11 को मेरा, 15 को तेरा, 9 को तेरी मम्मी का, और ये 2 को किसका है? पापा, ये जन्मदिन की तारीख नहीं है। ये तेरा नंबर है? हाँ। 50 में से 11, 15, 9 और 2? सर, 100 में से। घर चलो तुम। छोड़िए सर, आपका बच्चा हमारी जान खा चुका है, इसे समझाओ कुछ, समझ कुछ जाता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मैं समझा रहा हूँ एडिडास, ये समझता है अभिबास, रट्टा मारता है अडाडास और एग्जाम में लिख के आता है देवदास। जाने दीजिए, नादान बच्चा है। नादान है? केमिस्ट्री लैब में जो हुआ वो बताना जरा। सर, टेस्ट ट्यूब होती है ना जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक क्या बुलाता है बताओ, बताओ। कुल्फी का सांचा। पूरे स्कूल में बात फैल गई कि ऊपर कुल्फी के सांचे में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक दिन तो उसने 5 मिनट क्राफ्ट का केमिकल रिएक्शन हमारी लैब में करके ऐसा एलिफेंट टूथपेस्ट का ब्लास्ट किया कि पूरी दीवारें टूथपेस्ट टूथपेस्ट हो गई। जी, पढ़ाई तो करता रहता है पूरे दिन, कल भी लगा हुआ था। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? याद नहीं सर। सलमान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? टाइगर 3। शाहरुख खान की? पठान। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लोकी के कितने एपिसोड आ गए हैं? 4। राधे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था? 18 करोड़। नमक का साइंटिफिक नेम? देख लीजिए, प्रसन्न हो लीजिए थोड़ा। सॉरी। मतलब फोन 12 घंटा, टीवी 5 घंटा, इंस्टाग्राम 3 घंटा, पढ़ाई घंटा। हिस्ट्री टीचर ने इससे पूछा कि टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉबर्न डायनेस्टी, तो ये कहता है बॉब बॉर्न के बिना चाय में मजा नहीं आता। अजी, बॉर्न बॉर्न तो हमको भी बहुत पसंद है। योगा टीचर ने इससे पूछा कि एक टांग पे खड़े होने का क्या फायदा है, तो इसने कहा कि आप पजामा आराम से पहन सकते हो। लेकिन सर, इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसका दिमाग बहुत शार्प है। दिमाग से बांस छीलता है ये? मतलब स्कूल से होमवर्क हम देते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, उनमें से करता है ये सिर्फ 2 क्वेश्चन और उसके आगे बड़ा बड़ा लिख देगा PTO, बस आगे सारे पेजेस में PTO और अंत में ओम। घर चलो तुम। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। साइंस के एग्जाम में पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिर्फ अंधेरे में देखा जा सकता है, इसने लिखा अंधेरा। जीके के एग्जाम में आइडेंटिफाई द पब्लिक फिगर आया तो उसमें हिटलर की फोटो के नीचे जेठालाल लिखाया। सर जी, थोड़ा सा नालायक है मगर दिल का बहुत अच्छा। जी, जॉब इंटरव्यू में सीना चीर के दिखाएगा क्या? फिर भी सर, इसका दिमाग बहुत शार्प है, कुछ पूछ के तो देखिए। अच्छा, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर, बहरा है, कुछ भी बोल दो सुनेगा थोड़ी। ये देखिए, हिंदी के एग्जाम में इससे पूछा कि इन 2 वाक्यों में अंतर बताएं। पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े। आपका लाडला लिखता है पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं करेगा। जी, योगा क्लास से तो 2-2 घंटे तक बाहर नहीं आता, घुसते ही टीचर से कहता है सर आज 2-2 घंटे तक योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा में ही विलीन हो जाते हैं, फिर मस्त टहलते टहलते क्लास में आ जाते हैं। सर जी, आप इतने अच्छे गुरु हैं जो इन सारी बातों को सह कर भी कुछ नहीं कर रहे। हमारे जमाने में तो पहले मास्टर डंडे मारते थे फिर पढ़ाते थे। मन तो मेरा भी वही करता है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। तो सर, फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, इसे आप किसी दूसरे स्कूल में डलवा लीजिए। सर जी, हमें पता था कि आप यही बोलेंगे, इसलिए हमने अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा लिया है। अच्छा, कौन से स्कूल में?
यही बगल में है ना सेंट टेरेसा। अरे उसमें तो मैं जा रहा हूँ अगले हफ्ते। यहाँ के शैतान बच्चों से ही तो तंग आके मैंने स्कूल से इस्तीफा दिया था। सत्यानाश।